अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये अमल ख़त्म होने से पहले दो दोस्तों के दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान शदीद नफ़रत और दुश्मनी पैदा हो जाएगी। बहुत ही तेज तरीन ये अमल है जो कि कभी भी ख़ता नहीं जाता। कोई भी दो मोहब्बत करने वाले हैं, कोई भी दो दोस्त हैं जिनकी दोस्ती या मोहब्बत से आपको नुकसान का अंदेशा है, या आपके ख़िलाफ़ वो गैबत करते हैं, या आप चाहते हैं कि उन दो दोस्तों या मोहब्बत करने वालों के दरमियान शदीद दुश्मनी और इंतहाई नफ़रत पैदा हो जाए, तो दोस्तों इस पावरफुल अमल के ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं और दो दोस्तों की दोस्ती को शदीद नफ़रत और दुश्मनी में बदल सकते हैं, उनके प्यार मोहब्बत को नफ़रत में बदल सकते हैं, जुदाई में बदल सकते हैं। अदावत और नफ़रत पैदा करने का, दुश्मनी पैदा करने का बहुत ही तेज़ तरीन और पावरफुल ये अमल है। तो दोस्तों ये अमल हफ्ते वाले दिन आपने करना है। दोस्तों एक आपने चिराग ले लेना है, इस अमल में आपको चिराग की ज़रूरत होगी और चिराग में आपने सरसों का तेल डाल देना है। और दोस्तों ये जो आपको अभी हम तिलस्म बताने लगे, दोस्तों इस तिलस्म को आपने हफ्ते वाले दिन दोपहर को 1 और 2 बजे के दरमियान में आपने इस तिलस्म को आपने लिख लेना है। और आपने उसके बाद जब आप ये तिलस्म लिख चुके हैं तो उसके तिलस्म के नीचे आपने उन दोनों का नाम और उनके साथ उनकी वालदा का नाम भी आपने ज़रूर लिखना है। अगर वालदा का नाम आपको मालूम ना हो तो आप हवा लिख सकते हैं। अगर वो मर्द और उसकी वालदा के नाम के दरमियान आपने बिन लिखना है, और औरत हो औरत और उसकी वालदा के दरमियान में आपने बिंत लिखना है, तो इस तरीके से आपने तिलस्म लिखना है। यानी आपको तफसील से बताते हैं कि वो औरत और मर्द है जिसके दरमियान आप नफ़रत और दुश्मनी पैदा करने चाहते हैं, तो पहले मर्द का नाम लिखने और उसके बाद आपने बिन तो दोस्तों इस तरीके से उनका नाम लिख देना है। और उसके बाद आपने इस तिलस्म को आपने इसके ऊपर आपने रुई वगैरह आपने लपेट देनी है। और आप जहाँ पर बैठकर आपने ये तिलस्म लिखा था, तो उसके बाद आपने लिखने के बाद, और इस तिलस्म को आप किसी भी ब्लैक मार्कर से लिख सकते हैं, ब्लैक इंक वाले पेन से लिख सकते हैं, और ब्लैक आप जो है पेंसिल से भी आप ये लिख सकते हैं। तो इस तिलस्म को लिखने के बाद इस पे रुई आपने लपेट देनी है। और इसका तरीका इस्तेमाल बताने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इससे ये होगा कि इस किस्म की हमारी और भी जो नई वीडियो है उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिला करेगी। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जब इस पर आप रुई लपेट देंगे तो उसके बाद आपने इसको उस चिराग में रख लेना है, और चिराग में आपने सरसों का तेल डाल देना है, और चिराग का जो बत्ती का रुख है उसका रुख आपने उन दो लोगों के किसी भी एक के घर की तरफ आपने इस चिराग का रुख यानी बत्ती का रुख कर देना है और आपने इसको जला देना है। और दोस्तों आपने ये अमल जो है तन्हाई में बैठकर अलग-अलग जगह पर बैठकर आपने ये करना है जहां आपके पास और कोई भी मौजूद ना हो। जब तक चिराग बुझ नहीं जाता, मुकम्मल जल नहीं जाता तिलस्म, तब तक आपने वहीं बैठे रहना है। और आपने उस चिराग को देखते हुए आपने यही ख्याल तसव्वुर करना है कि ये आग में उन दो लोगों के दरमियान में लगा रहा हूँ, उनकी मोहब्बत में लगा रहा हूँ या उनकी दोस्ती में मैं ये आग लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका जो ये अमल है एक दिन में ही इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, वरना आपने ये अमल दूसरे दिन भी उसी टाइम करना है और तीसरे दिन भी उसी टाइम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ये अमल करने से इसका असर हो जाएगा और ये तीर जा के निशाने पर लगेगा और उनकी जितनी पुरानी से पुरानी दोस्ती या मोहब्बत होगी
पल भर में वो ख़त्म हो जाएगी। वो एक दूसरे से शदीद नफ़रत करेंगे और उनकी दोस्ती मोहब्बत प्यार मोहब्बत जो है वो सारा दुश्मनी में बदल जाएगा।